तो जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है, कोई भी लाइन है, सपोज़ ये एक्स वाई जेड एक्सिस हमारी है और ये ओपी आपकी लाइन हो गई, ये एक्स एक्सिस से 90 डिग्री बना रही है, ठीक है, वाई एक्सिस से कितना 135 और जेड एक्सिस से 45 डिग्री। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं, सपोज़ ये अल्फ़ा बीटा और गामा ये स्टैंडर्ड नोटेशन होते थे, तो अल्फ़ा हमने कह दिया कि क्वेश्चन में हमारा जो गिवन है कि ये एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रही है दैट इज़ गिवन एज ए 90 डिग्री, ठीक है, और वाई एक्सिस से 135 डिग्री, 135, और जो जेड एक्सिस से दिया गया है दैट इज़ 45 डिग्री। तो ये आपको डायरेक्शंस दिए गए हैं लाइन से ओ पी के। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द, हमें क्या पता करना है, डायरेक्शन कोसाइन पता करना है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि जो डायरेक्शन कोसाइन होती है किसी भी लाइन की, एल जो कॉस अल्फ़ा डिफाइन किया जाता है, एम कॉस बीटा और एन क्या हो गया आपका कॉस गामा हो गया, अल्फ़ा दिया गया है वैल्यू प्लेस कर देते हैं, तो कॉस ऑफ अल्फ़ा मतलब 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो होती है, तो एल आपका क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। एम कॉस बीटा तो कॉस 135, 135 सेकेंड क्वाड्रेंट है तो कॉस निगेटिव होगा, दैट इज़ सेम एज ए कॉस ऑफ 45 डिग्री, 180 माइनस कर लेंगे और वो कितना जाएगा आपका -1/√2। कॉस गामा तो ये आपका 45 डिग्री है, तो कॉस ऑफ 45 डिग्री ये आ गया आपका 1/√2। तो जो आपका डायरेक्शन कोसाइन हो गया लाइन ओपी का, जो हमने नाम दिया है वो हो गया आपका 0, -1/√2 एंड 1/√2, ठीक है, दैट इज़ योर फाइनल आंसर।